कैसे हो गाइस? मतलब आज हम जा रहे हैं कहाँ? हिमाचल। तो हिमाचल के लिए निकल रहे हैं। ये पैकिंग वैकिंग सब कंप्लीट है और हम डगडगे पे खड़े हैं और भाई लोग छोड़ने आए हैं। साईं और मैं ही जा रहे हैं। मैं अनिकेत और धरंजी हमें छोड़ने के लिए आए स्टेशन पर। तो मिलाते हैं आप विकेट पे। मयंक भाई रुक जाओ, धरंजी भाई कौन टेबल से बंद करो। जय भाई मयंक भाई से मिलो, जय हमें छोड़ने आए हैं। हो जाए धरंजी भाई, धरंजी भाई हमको छोड़ने आए। भाई मेरा साथ जा रहा है जो देखेगा आपको, और अनिकेत भाई भी हमें छोड़ना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे। ट्रेन देखते हैं कहाँ पे पहुँची है। अभी पगडाल पहुँची है, तो फिर अभी मिलाते हैं ट्रेन को, फिर चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको नज़ारे बहुत बढ़िया बढ़िया हिमाचल के। तो अभी चलते हैं, पहले इन लोगों का कुछ पुआव खिलवाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी देर में ही मिलते हैं आपसे। तो गाइस बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ी सी देर में पहुंचने वाले हैं आनंदपुर साहिब नाम है स्टेशन का। अभी आप पहुंचने वाले हैं, अभी देखिए नज़ारे। शाम के 5 बज गए, बोल कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, वहीं मिलते हैं आपसे स्टेशन में। तक थोड़ा गाइस फाइनली आ गए आनंदपुर साहिब। अब यहाँ से देखते हैं, साई भाई बोल रहे हैं कहाँ, कौन सी माता पे जाना है? कहाँ चलने के? नैना देवी जाना है। और यहाँ से देखते हैं बाहर से क्या लाइन है वहाँ जाने की। तो स्टेशन है, काम चल रहा है, लिखा हुआ है पंजाबी में लिखा है, समझ नहीं आएगा। तो अभी चलते पहले बाहर, फिर मिलते हैं। तो भाई हम आ गए रोड पर, यहाँ पर अब देखते हैं कुछ जाने के लिए। अभी तो रोड पर ही घूमना है। यहाँ पर सुंदर कन्या मिली तीन, लेकर ये भी जाते हुए तीन सुंदर कन्याएँ देखी हम। तो भाई अभी रोड पर आ गए, अब देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ देखिए सब बढ़िया सा है। हम यहाँ बस स्टैंड ढूंढते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे की तरफ। रोड पर रुकना, दिखाते हैं आपको आगे की कहानी। पता चला बस स्टैंड सामने की तरफ है, तो हम सामने की तरफ जा रहे हैं। फिर बस स्टैंड में बस ढूंढेंगे, बस में बैठेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो रुकिए देखिएगा आप। तो भाई सभी बस स्टैंड ढूंढ रहे हैं, बस स्टैंड ढूंढते हैं, बस स्टैंड में देखेंगे बस को। बस देखने के बाद निकलेंगे यहाँ से। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, जा रहे हैं पैदल हम बस स्टैंड की ओर। तो जाते हैं बस स्टैंड, फिर बस में बैठते हैं, फिर आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ चारों ओर हमें मॉडिफाइड स्विफ्ट, बोलेरो, थार, स्कॉर्पियो और बाकी सब गाड़ी और स्प्लेंडर, सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर देखने को मिल रही है यहाँ पर। यहाँ तक अल्टो भी मॉडिफाइड करके रखी है उनने। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ, गाड़ी है चारों तरफ। ये रेड वाली है, इसमें लिखा है मर्सडीज बेंज लिखा है। इसे बैठते हैं और डायरेक्ट पहुँचते हैं नैना देवी। तो वहाँ से ये भैया बता रहे हैं कि सुबह निकलने के लिए है बस, यहाँ रात में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ सुबह नाइट वहीं हंट करनी पड़ेगी हमको, वहीं रुकना पड़ेगा, उसके बाद सुबह निकलेंगे वहाँ से। तो अभी इसमें बैठते हैं नैना देवी के लिए निकलते हैं। बैठ गए बस में, पीछे सामान रखा हुआ है, वो यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। भैया बोल रहे हैं 5 मिनट बाद निकलती है यहाँ से बस, फिर निकलते हैं नैना देवी की तरफ, नैना देवी की तरफ। तो अभी चलते हैं सीधे, थक गया यार बहुत ज़्यादा। कल भी मैच खेला कॉलेज में, उसके बाद डायरेक्ट ट्रेन लेकर वहाँ गए, और नींद भी पूरी हुई नहीं। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, एक आध घंटे का सफ़र है, तब तक के लिए रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। दिन हमें यहाँ उतार दिया, उसके बाद अब यहाँ से टैक्सी लेना पड़ता है। हमको ओमनी मिली, ओमनी में बैठेंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे। यहाँ बहुत भयंकर ठंड हो रही है, हवाई चल रही है बहुत तेज वाली। तो आगे अब यहाँ से चल रहे हैं, आगे बैठ रहा भाई, यहाँ से आगे चलते हैं। ऊपर थोड़ी सी दूर है, यहाँ 30-30 रुपये ले रहे हैं भैया हमसे, और यहाँ से चलेंगे। तो चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई सब यहाँ वैन से उतर गए हैं। अब यहाँ पे मतलब हमने नीचे पूछा अंकल से, ये है कि सरदार अंकल जी से पूछा, पूछने से धर्मशाला, तो उन्होंने बताया कि ऊपर है धर्मशाला। पहले ऊपर जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कैसा क्या रहेगा। अभी तो आ गए हैं यहाँ से, ऐसा कुछ नजारा है पीछे का, बढ़िया लाइट ही लाइट है। वो बहुत नीचे है, पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा, बहुत नीचे घर है, बहुत सारे घर बने हैं। तो यहाँ से हमने रूम ले लिया है, सामान वामान सब रख दिया है। अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं मंदिर, वो भी दर्शन करने के लिए। यहाँ से सुना है कि थोड़ा सा ऊपर है, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये पीछे दिख रही होगी आपको। अब यहाँ से चलते हैं सीधे ऊपर और दर्शन कराते हैं, देखते हैं अगर मोबाइल अलाउ होगा
तो दिखाते हैं आपको, थोड़ी बहुत क्लिपिंग बनाते हैं हम वहाँ पे जाके और फिर आपको दिखाते हैं। तो पहले चलते हैं, गलियाँ हैं वहाँ से जाना पड़ रहा है ऊपर, तो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको। वैसे मुझे लगता है अलाउ है मोबाइल वोबाइल का, तो चलते हैं पहले फिर दिखाते हैं। भीड़ ज़्यादा रहती होगी, मंदिर के पास पहुंच गए, लाइन में लगे हुए हैं, लाइन बहुत भयंकर ही चल रही है अभी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी देखते हैं जल्दी पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचना है हमें, अभी पहुँच रहे हैं डायरेक्ट लाइन से, बुलाते हैं आने दर्शन कराते हैं आपको। दर्शन हमारे, हाँ अंदर वैसे मोबाइल चलाने नहीं दिया उन्होंने, बट बाहर जो बनाई है वही वीडियो थी। इसके बाद अब साईं कर रहे हैं दर्शन, साईं को साईं जाए बाहर, फिर निकलते हैं डायरेक्ट। देखते हैं, कुछ खाया भी नहीं है हमने सुबह से, तो पहले खाएंगे फिर देखते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर आगे की कहानी फिर बताते हैं आपको। अभी चलते हैं पहले साईं जाए, फिर मिलते हैं आपसे। हो गए दर्शन, साईं के भी हो गए, पीछे मंदिर आपको दिख ही रहा होगा, मतलब ऊपर क्या पता सोना है क्या है, बहुत चमक मार रहा है सोने जैसा, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। हम तो पहली बार आए हैं और यहाँ की ट्रस्ट भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे रूम का भी ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है धर्मशाला का, इस चक्कर में वो लंगर चलते रहता है दिन में, और भीड़ भी बहुत हो रही है, श्रद्धालु आते रहते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर देखा भी मैंने, बहुत कनाडा का भी डॉलर लगा हुआ, US डॉलर भी है यहाँ पर, मतलब किसी ने दान किए हैं। साईं आ रहा है नाड़ा मतलब बनवाते हैं बनवाते, तो चलते हैं डायरेक्ट नीचे, फिर दिखाते हैं आपको दान के लिए। पीछे मंदिर दिख ही रहा होगा, पीछे मंदिर दिख ही रहा होगा आपको, चलते हैं पहले नीचे। अब यहाँ से आते हैं मंदिर से बाहर, तो अभी जा रहे हैं मंदिर से बाहर, नीचे जाके देखते हैं प्रसाद को पन्नी में डलवाना है। अब चलते हैं पहले यहाँ से प्रसाद लिया था ऊपर, थोड़ा लंगर खा लिया हमने उसका, थोड़ा घूमने जा रहे हैं टहलने के लिए, देखते हैं ये कुछ जगह मिलती है हमें टहलने के लिए। यहाँ बैठने का एकदम व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर, और ठंडी तो बहुत ही गजब है, मतलब गर्मी के मौसम में ठंडी चाहिए हो तो यहाँ आना पड़ेगा आपको, हिमाचल नैना देवी। तो अभी देखते हैं, थोड़ा नीचे नीचे घूम के आते हैं, चलना है नीचे घूम के आते हैं। अरे कितना डर रहा है, मर्द को कभी ठंड नहीं लगती भाई, ऐसे मैं हूँ भाई, मेरे को ठंड नहीं लगती भाई। अभी हम बैठे हैं यहाँ पहाड़ों के पास, यहाँ पीछे पहाड़ है तो सबसे ऊंचे 3535 फीट ऊपर है हम, मतलब यहाँ पर यहाँ वादियों के मध्य ले रहे हैं दोनों भाई साईं और मैं, रामायण से बात चल रही है वीडियो कॉल पे, और अभी यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा आनंद लेते हैं, उसके बाद जाते हैं फिर सोते हैं, सुबह निकलेंगे, सुबह देखते हैं कहाँ निकलते हैं। तो अभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं मजे ले रहे हैं।